ये है मोदी जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग सामने इस तरह के आंदोलनों में लगे, नहीं तो ये तो देश किसानों का देश, 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया, क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता, अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता, पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहां पर शोर मचाते तो यहां पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन, अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला, 10-11 महीने हो गए, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं, जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। कि मैं सभी लोगों को लेकर के आज आपने 9 साल से देखा मैं विधायक और सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने किसी के लिए कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया, न इस तरह का मैंने उसको चैलेंज दिया, लेकिन ये चैलेंज उन लोगों के लिए है जो रात के अंधेरे में चोरी छिपे छुप करके हताशा निराशा और कमजोर लोग हैं, जो मदद होने पर रोते हुए मेरे पास आते हैं और रोते हुए वो यहाँ आकर के अपनी मदद मांगते हैं, और तब भी मैं मदद करता हूँ, मैंने उनको बचाया था, नहीं तो वो आज भी रो रहे हो, ऐसे लोग हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि सुधर जाए और सुधर करके इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो स्वागत किया उसके लिए आपका हृदय से आभार।